लेसन नंबर 15 कॉलम का लेसन है, तो आज देख लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है और क्या क्या करना है आज हम लोगों ने, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ कॉलम टू डॉक्यूमेंट, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसके लिए रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं क्योंकि हमने एक कॉलम से इसको कन्वर्ट करना है। अच्छा कॉलम्स किस तरह के कॉलम्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे लेआउट में आप आते हैं तो यहाँ पे कॉलम्स का आपके ऊपर पूरा एक ऑप्शन मौजूद है, आप क्लिक करते हैं तो बोलते हैं टू कॉलम्स, यहाँ पे हम थ्री कॉलम्स, यहाँ पे करते हैं मतलब लेफ्ट ये राइट, ठीक है इस तरह के कॉलम्स तो हैं। जैसे कि ये कॉलम्स हमने किए हैं तो मैं इसको रिमूव करना चाहूँ, अब जैसे कि मुझे यहाँ से ये कॉलम तो रिमूव नहीं हो रहे, आपको दिख रहा नहीं ये, मतलब मैं चाहता हूँ जो मैंने कॉलम्स किए हैं जो कॉलम्स लगाए हैं वो रिमूव करवा लूँ। अब मैं दोबारा इसको कंट्रोल सारे सिलेक्ट करता हूँ दोबारा से, सॉरी यहाँ पर एक वन कॉलम के अंदर ही सारा करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे तो ये चक्कर तो हो रहा है कि वन कॉलम में मैंने कन्वर्ट करवा दिया, तो यहाँ पर पहले ऐड करवाना है, ऐड करवा दिया कॉलम। अब ये यहाँ पे ऑप्शन आएंगे मोर ऑप्शन के अंदर, मोर ऑप्शन के अंदर आप जब आते हैं तो यहाँ पर ये देखो ये सारे के सारे वही वाले जो ऊपर उसके अंदर आ रहे थे ये उसका कस्टमाइज आ गया, तो आप चाहो तो इस पर क्लिक करके भी इस पर भी कर सकते हो, इस पर भी कर सकते हो, देख रहे हो नीचे उसका इफेक्ट भी नजर आ रहा होगा आपको, देख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ से जाके ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हमने ऐड करवा दिया, यहीं पे ये वन पर आया ऑटोमेटिक वन हो गया। अच्छा ये कॉलम पे तो ये यहाँ पे भी एक चक्कर है, इसके अंदर कॉलम वगैरह भी कॉलम वगैरह, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ जैसे कि यहाँ पर पढ़ो नीचे क्या लिखा हुआ है, तो एक बार बच्चा पढ़े जैसे ही मैं करता हूँ इससे तो ये क्या कहते हैं नेक्स्ट कॉलम मतलब नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके चले आएगा, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ ये देखो चले गया, टेक्स्ट भी सारा गायब हो चुका है। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड देन फिर मैं इसको अप्लाई करता हूँ, हो गया नेक्स्ट कॉलम के लिए उसने यूज करवा दिया। इसी तरह यहाँ पर रेड टेक्स्ट मतलब रेड टेक्स्ट का मतलब है कि उसको मूव करवा सके। अब यहाँ पे हमारे पास तो रेड टेक्स्ट वाला इसको सिलेक्ट करवाता हूँ, हमारे पास वो इसमें ना वर्ड आर्ट के अंदर है ना किसी और चीज के अंदर है, तो रेड टेक्स्ट कैसे होगा ये क्या टेक्स्ट बॉक्स के जरिए भी भी। यहाँ पे हमने सिलेक्ट करवाया, यहाँ पर आया टेक्स्ट बॉक्स लिया, क्या हो गया ये आ गया इसके अंदर ये, अब इसको मैं कहीं पर मूव करवा सकता हूँ, हो रहा है ये रैप टेक्स हो रहा है, क्या हो रहा है रैप हो रहा है, रैप हो रहा है ना, तो ये रैप टेक्स एक तरीका और जब भी रैप टेक्स किया जाता है। अब जैसे ये टेक्स है मैं चाहता हूँ इसको नीचे लेकर आना, तो ये इस तरह भी होता है शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एरो की मदद से भी रैप होता है, ये आ सकता है देख रहे ये जानिए क्लियर है। इसके बाद क्या एड द ब्रेक्स मतलब है मुझे यहाँ पे ब्रेक्स वगैरह कुछ डालने हैं, मतलब अभी यहाँ पर आके मैं क्लिक करता हूँ तो ये नेक्स्ट पेज पर आ गया ब्रेक हो गया पेज जाने, इसका ऑप्शन यहाँ पे भी है, कहाँ पर दूसरा इसका ऑप्शन को बता सकता है इंसर्ट में आते हो तो ये इंसर्ट में ये एक ऑप्शन है यानी, तो यहाँ पे भी ऑप्शन है यहाँ पे भी ऑप्शन है, इसके अंदर थोड़ा डिटेल ऑप्शन के अंदर आ रहा है तो इसके अंदर भी आ रहा है। इसके बाद रिमूव द कॉलम्स, अब मतलब मैं यहाँ पे मैंने कॉलम्स लिए हैं, अब मैं इसको चाहता हूँ रिमूव करूँ तो ये इसके अंदर जाके वन कॉलम कर दिया तो ऑटोमेटिक ये वन कॉलम हो जाएगा, इसको रिमूव ही समझा जाएगा, ठीक है। तो लेसन नंबर 15 में सिर्फ कॉलम्स ही पढ़ाया गया है, यही पढ़ाया गया और कुछ भी नहीं है। एनी क्वेश्चन कोई सवाल जवाब सब समझ आ गया, कर्सर को इसके इस साइड को इधर मतलब स्टार्टिंग पॉइंट को लेकर जाना है और उसके बाद आपने मतलब आप सपोज मैं यहां से ब्रेक करना चाहता हूं तो मैं इसकी शॉर्टकट से इसको ब्रेक कर रहा हूं तो इसके बाद इस तरह ब्रेक हो जाएगा, वहां पर ब्रेक करने से कंट्रोल एंटर से ब्रेक होता ही आपको होता है ना जी। होगा मगर फिर वो चीजें जिस तरह आप चाह रहे हो, मुझे पैराग्राफ चाहिए तो पैराग्राफ नहीं होगा आगे पीछे हो जाएगा, मतलब वो सब पैराग्राफ नहीं आएगा, जिधर कर्सर होगा उधर से ब्रेक हो जाएगा वो, सपोज मैं यहाँ से ब्रेक करता हूँ तो सिर्फ ये यहाँ से ब्रेक करेगा वो, ओके देखे
एनी क्वेश्चन क्लियर है? अच्छा ये भी बता दो, चलो रमजान से पहले पहले हमने एमएस वर्ड खत्म कर देना है क्योंकि हमारा बहुत लंबा चले गया और मैं नहीं चाहता कि बच्चे बहुत सारे मतलब छुट्टी नहीं करें, तो हम लोग कल से डबल लेसन पढ़ा करेंगे। मतलब जैसे कि अब हमारे पास एक घंटे की क्लास है ना, तो हमारे हम लोग कवर कर सकते हैं दो आराम से, ठीक है। ये शुरू का वक्त था तो हम लोगों ने उसको थोड़ा टाइम दिया क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए कंप्यूटर के साथ, क्योंकि आप समझ लें कि काम कैसे हो रहा है। अब हम दो दो असाइनमेंट करेंगे और दो को अच्छी तरीके से समझेंगे फिर आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो आप डेली बेसिस पे दो असाइनमेंट होंगे, इसके लिए प्रिपेयर होकर आइएगा और आज के दिन ही असाइनमेंट मुझे सबने जमा करवाने हैं, ठीक है। क्लास ये तो वैसे खत्म हो चुकी है, आप लोग प्रैक्टिस करना।